क्या कर रही हो आप? ये कोई तरीका है? ये देखो, ये इसे फोर कहते हैं, फोर, और इसे लेफ्ट हैंड में पकड़ते हैं बाएं हाथ, लो पकड़ो, और ये ऐसे लेकर और ये इस तरह से खाते हैं। हमने अंकल ये तो फ्रेंच स्टाइल हुआ, चाइनीज तो चॉपस्टिक से खाते हैं ना? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइनीज ऐसे खाते हैं वैसे खाते हैं। अरे मैंने बुक में कंसल्ट किया है और ये ग्लोबली एक्सेप्टेड स्टाइल है, समझी? और हाँ आरती एक बात, हाँ जब देखो ये कोल्ड ड्रिंक का ग्लास लोगी ना तो इसे ऐसे नहीं पकड़ते, इसे अंकल क्या हुआ? मेरा ग्लास, सॉरी, ये देखो ये ग्लास है, इसे ऐसे नहीं पकड़ते, अंगूठा यहाँ रखते हैं, उंगलियां यहाँ, और ये और सिर्फ छोटा, बड़ा नहीं लेना जैसे कि तुम्हारी आदत है, समझी? ठीक है, और उसके बाद फिर ये, समझी? अंकल आप फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं। अरे मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, तुम क्यों बीच बीच में बोल रही हो? ये क्या सिखा रहे हैं आप मुझे? आरती मैं तुम्हें अपर क्लास के मैनरिज्म सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब हमें बड़े लोगों के बीच में मूव करना होगा, पता है उनके बीच उठना बैठना होगा, अब तुम कोई हाउसवाइफ थोड़ी हो। आंटी अंकल इज एब्सोल्युटली राइट, आप आज से ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। वही तो मैं इसे सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं समझना है और ना मुझे ये सब सीखना है, जब घर में इंडियन खाना खाते हैं तो इसकी क्या जरूरत है? हटाइए, मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझसे नहीं होगा। माँ क्या कर रही हो तुम? अब क्या तू भी मुझे सिखाएगी मुझे क्या करना है और कैसे करना है? बिल्कुल नहीं आंटी। शीतल खबरदार। शीतल मत टोक अपनी माँ को, आज ये किसी की राय नहीं मानने वाली है। मैं तो ये देखना चाह रहा था कि समय के साथ ये बदली है या नहीं बदली, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये नहीं बदली, बिल्कुल वैसी है जैसे कि हमारे शादी का वक्त। पर एक बात बताऊं, यही कारण है कि शायद मैं अब इससे और ज्यादा प्यार करने लगा हूँ। हाय हाय, देखो तो मेरे अंकल को।